ना हो और हाथी का वजन निकल जाए, है ना। ऐसे ही हमारे एक जो भी ज्ञान हमारे पास है अभी, उससे भगवान आत्मा जाना जा सकता है, लेकिन उससे जानने के लिए नयों का प्रयोग करना पड़ेगा, अपेक्षा अपेक्षा से निर्णय करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं हम स्याद बाद। स्याद माने कथनचित, किसी अपेक्षा, और बाद माने कथन। अभी थोड़ा थोड़ा जैन धर्म का ज्ञान तो होना चाहिए ना, नहीं तो बात पूरी समझाएं कैसे। जैसे कि अपने पांच ज्ञान हैं, तो पांचों ज्ञान प्रमाण हैं। अब प्रमाण का बताएं क्या होता है। एक होता है सम्यक ज्ञान, प्रमाण होता है, और नए होती हैं, समझे ना। तो प्रमाण से तो सारी वस्तु जानी जाती है, और नयों से उनके हिस्से। तो कहते हैं उन पांच ज्ञानों में पांचों ही ज्ञान प्रमाण हैं, लेकिन एक ज्ञान प्रमाण भी है और नए भी है। कौन सा बोलो, तुम तो सब जानते हो ना। श्रुति ज्ञान प्रमाण भी है और नए भी है। तो प्रमाण के रूप में जो हम शास्त्र वगैरह के माध्यम से जानते करते हैं ना, और नयों के रूप में श्रुत विकल्पा नया, श्रुत ज्ञान के विकल्प माने भेदों को नए कहते हैं। तो नए क्या काम करता है कि एक एक हिस्से करके उसे जानता है। जैसे कि पुद्गल को जानना है तो प्रमाण तो सीधा जानेगा, और नए क्या करेगा कि अकेला रंग जानेगा। कह के पहले कहेगा अभी चुप रहो और बात, रंग कैसा है। तो आँख की नए की चश्मा लगाएगा और आँख से देख के निर्णय करेगा कि काला है, पीला है, नीला है, हरा है, लाल है। फिर यदि कोई कहेगा इसका रस कैसा है, तो कहेगा वो आँख वाली बात बंद करो, फिर जवान वाली खोलो और उससे चखो कि मीठा है, खट्टा है, कड़वा है। फिर हमको रस में गंध जाननी है, सुगंध है कि दुर्गंध है, तो कहे उसे भी बंद करो, नाक का चश्मा लगाओ और उससे देखो तो तुम्हें उसकी गंध मालूम पड़ेगी। कठोर है कि मुलायम है ये जानना है तो छू कर देखो स्पर्शन इंद्री को। तो ये एक एक इंद्रियां एक एक चीज को देखती हैं। वो चीजें वो सामने वाली एक ही वस्तु में है। पुद्गल में है ना रूप रस गंध स्पर्श, ऐसे आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र और गुण हैं जो भी हैं सुख, तो उनको भी ऐसे अलग अलग करके जानना पड़ता है। क्योंकि हमारे पास एक साथ सब जानने में आ जाए ऐसा ज्ञान नहीं है। अरहंत भगवान को सुरग देखना हो कितने हैं तो क्या करना है, बंद करो, पहले मैं गिनूं, देखूं, इधर को ऊपर को गर्दन करूं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। वे तो ऐसे कैसे बराजे रहते हैं, प्रदेशों में कुछ कंपन भी नहीं होता है, और उनके ज्ञान में कितने समय में सुरग कितने हैं इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। उसी समय सारे स्वर्ग एक साथ दिखाई दे जाएंगे और नरक नरक ही दे जाएंगे। उसी समय नरक नीचे को हैं भाई साहब और स्वर्ग ऊपर को हैं, कि कोई कहीं क्यों ना हो प्रमाण ज्ञान में माने केवल ज्ञान में तो सब एक साथ दिखाई दे जाएंगे, लेकिन नए ज्ञान में उसे काल भेद करना पड़ेगा, क्षेत्र भेद करना पड़ेगा, और अनेक तरह के भेद अपेक्षाएं करनी पड़ेंगी, तब हम उसके बारे में जान सकेंगे। तो ऐसी वाणी को जो एक एक विषय को खोलती है, एक एक विषय को बंद करती है,